पोक्सो के आरोपी रोशन डी क्रूज की जमानत अर्जी खारिज। बेलगाम कैंप थाने में जुलाई 2021 में पोक्सो मामले के मुख्य आरोपी को हाई कोर्ट के बाद अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जमानत देने से इनकार कर दिया गया है। 3 साल की बच्ची से अत्याचार की कोशिश करने वाले रोशन डी क्रूज द्वारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक बार फिर जमानत याचिका दायर की गई थी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को ही आगे बढ़ाते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया है। पीड़ित परिवार की ओर से केस लड़ रहे हाई कोर्ट वकील वकार अहमद शहपुरी और उनकी टीम ने पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलने तक इस लड़ाई को डट के लड़ने की बात कही है, और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि इस मामले में वारदात के बाद सोशल मीडिया के जरिए एक झूठी अफवाह फैलाई गई थी, जिसमें कहा गया था कि ये पूरा मामला झूठा है। आज भी ठीक इसी तरह के अफवाहों को हवा देने का काम कुछ लोग कर रहे हैं। अफवाह सुनने में आ रही है कि मामला झूठा था और आरोपी रिहा होके मुंबई चला गया है, जबकि ये पूरी तरह झूठ है। ऐसे लोगों पर भी हम कार्रवाई करेंगे। देखिए, पहले भी एक बिल एप्लीकेशन यहाँ पे बेलगाम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डाला गया था कैंप केस में, और उसके बाद यहाँ पे बिल कैंसिल होने के बाद वापस से हाईकोर्ट अप्रोच किए थे एक्यूज्ड, तो हाईकोर्ट में भी हम लोगों ने बिल कैंसिल कराया था। उसके बाद जो वापस से एक 2-3 महीने का अरसा गुजर गया है, वापस से बिल एप्लीकेशन आया था अभी उस एक्यूज्ड लोगों का। इसमें क्या हुआ है कि फर्स्ट जो बेल कैंसिल हुआ था वो पीरियड सिर्फ एफआईआर के दौरान था। जब हाईकोर्ट में बेल कैंसिल हुआ तब ऑलरेडी चार्जशीट फाइल हुई थी और एक्चुअली वहाँ पे मैटर खत्म हो गया था। वापस से भी बेल एप्लीकेशन डालने का कोई फायदा नहीं था। वैसे भी बेल एप्लीकेशन डालने के बाद में यहाँ पे आज जो बेलगाम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि ऑलरेडी हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था उसमें कुछ भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, और हाईकोर्ट में भी हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया था कंप्लेनेंट को उस बच्ची की तरफ से, तो हाईकोर्ट ने क्लियरली सब्सटेंस देख के प्राइमा फेसिया कहा था कि हाँ केस बनता है एक्यूज लोगों के ऊपर, और वही चीज को आज यहाँ पे बेलगाम डिस्ट्रिक्ट जज ने वही रिपीट किया है और कहा है, बस एक न्यू ग्राउंड लेके आए थे वो लोग कि उनकी मदर की तबीयत खराब है। तो इससे भी हम लोगों ने जो केस लॉ सबमिट किए हाईकोर्ट यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मुतमइन हो गए कि हाँ इनको कुछ किसी भी तरीके से इनको जमानत नहीं दे सकते बोल के, और फर्दर ये कहा है कि इसके आगे उनका बेल होने का चांस नहीं है, ऑलमोस्ट ये आखिरी चांस था, तो आगे बेल होने का चांस नहीं है और यहाँ पे तो बेल रिजेक्ट हो गया, और ये पॉक्सो केस में बेल होना इतना आसान नहीं है। देखिए, आप एक 3 साल की बच्ची के ऊपर आप जब इस तरीके की घिनौनी हरकत करते हैं तो आसानी से बेल मिलने का सवाल नहीं है, और ये बहुत सीरियस ऑफेंस है, इसको बहुत स्ट्रिक्टली देखा जाता है। अगर कुछ भी प्राइमा फेसिया थोड़ा भी अगर इसमें मिल जाएगा तो आपकी बेल होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। क्यों बोलेंगे तो आगे जब तक चार्ज फ्रेम नहीं होगा अब तक अभी तब तक बेल एप्लीकेशन डालने का भी अभी सवाल नहीं आएगा। देखिए, पहले मैंने आपको जैसे बताया है ये पॉक्सो केस है, इसमें बेल होना मुश्किल ही नहीं बिल्कुल नामुमकिन के बराबर चांस रहती है, और जो केस है प्राइमा फेसिया 100% एक्यूज्ड के अगेंस्ट में है, और जो बेल एप्लीकेशन डाला गया है वो रेगुलर बेल एप्लीकेशन है। अगर एक्यूज्ड बाहर होता है तो एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन डाला जाता है। तो जहां तक ये एप्लीकेशन की बात है, जो एक्यूज्ड बाहर घूमने की बात है, इसका तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि अगर एक्यूज्ड बाहर रहता तो बेल एप्लीकेशन डालने का सवाल ही नहीं होता। और जहां तक ये अफवाह की बात है, हमारे तक तो अभी तो बात नहीं पहुंची है, और अगर कहा जा रहा है कि उनकी फैमिली को टॉर्चर किया जा रहा है ये कह के कि आपने गलत केस फाइल किया है, तो हम लोग चेक करेंगे। अभी तक हमारे पास तो हम जो एडवोकेट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे तक तो बात नहीं पहुंची है। अगर हमारे तक बात पहुंची है और हम लोग वेरीफाई करेंगे मार्केट में कि क्या बिल्कुल ऐसी अफवाह चल रही है कैंप में, तो हम लोग देखेंगे कि कौन इसके पीछे है और उसके ऊपर भी कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे अगर कोई अफवाह इसे फैला रहा है। खासकर अगर एक्यूज की फैमिली ये काम कर रही है तो हम लोग इस तरीके से इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे कि आगे उसकी बेल नहीं होगी, इतनी हम आपको गारंटी देते हैं। अगर एक्यूज की फैमिली की तरफ से अगर ये चीज़ हो रही है तो आगे उसकी बेल नहीं होगी, इतना हम स्ट्रिक्टली काम करेंगे। दूसरी चीज़, इसमें एक चीज़ हो सकती है कि एक माइनर भी था इसके अंदर,
जो एक्यूज्ड है एक 13 इयर्स का माइनर था जिसको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बेल दी गई थी सिर्फ उसकी एज को देखकर, यहाँ पर क्राइम को देखकर बेल नहीं दी गई थी, एज को देखकर बेल दी गई थी और जुवेनाइल में भेजा गया था उसको। तो वो बाहर है उनकी एज के लिए, 13 इयर्स है एज के लिए, लेकिन इनकी ये जो एक्यूज्ड है इनकी एज 20-21 के आसपास में है, तो इनका तो बाहर आने का सवाल ही नहीं है और बाहर है भी नहीं। और ऐसे कोई अफवाह फैला रहा है तो इसके ऊपर हम लोग स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। एक्यूज्ड पहले से ही जेल में था और अभी भी जेल में है, वो कभी बाहर आया ही नहीं है। जो लोग ये कह रहे हैं कि वो बाहर आया है, वो जस्ट एक वेग एलिगेशंस हैं और कुछ नहीं है। एक के बाद बेल एप्लीकेशंस डाले गए हैं और बेल एप्लीकेशंस रिजेक्ट हुए हैं, वो कभी बाहर ही नहीं आया। अपने सपनों को करे साकार, होटल मैनेजमेंट में बनाइए अपना करियर, विदेश में भी पा सकते हैं जॉब। बेलगाम और हुबली का बेस्ट होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट मास्टर शेफ मैथ्स, एडमिशंस ओपन है। जल्द ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें।